अंबिकापुर में गौ सेवा मंडल के कार्यों से प्रभावित होकर समाज सेवी शांति देवी अग्रवाल ने एनिमल एम्बुलेंस की सौगात दी है। गौ सेवा मंडल को बीमार या घायल गायों को पशु चिकित्सालय पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। गौ सेवा मंडल के सदस्य निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। संवाददाता चंद्रशेखर गुप्ता ने समाज सेवी शांति देवी अग्रवाल से खास बातचीत की। जो कोरोना काल की बात करूं, कोरोना काल के में मास्क मैन के नाम से जाने जाते थे, तो मास्क वितरण करते थे। उसके बाद आज इन्होंने गौ सेवा मंडल को एक एम्बुलेंस दान दी है। एम्बुलेंस सरगुजा के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि जो गौ सेवा मंडल के लोग जो काम कर रहे थे, उनको जो गायें थी या किसी प्रकार वो तकलीफ से ये दूर होंगे। हमारे साथ जो मास्क मैन के नाम से जाने जाते थे अजय अग्रवाल, जो सरगुजा के हैं, जो पूरे कोरोना काल में देखा जाए तो लोगों को सबसे काट रहे थे, और उसके बाद ये जो आज एम्बुलेंस भी यहाँ दान के स्वरूप जो गौ सेवा मंडल उनको दे रहे हैं, हम इन्हीं से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं जो इनका जो इतनी अच्छी प्रेरणा जो सरगुजा के लिए आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि शुरू से कोरोना की बात करो, उसके बाद भी लोगों को जागरूक करने की बात करूँ तो लगातार कर रहे हैं। आज एम्बुलेंस दान किया जा रहा है, क्या आपको जी? ये गौ सेवा मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा जानकारी मिल रही थी, और इनका कार्य अत्यंत सराहनीय है। तो गौ सेवा मंडल के अध्यक्ष महोदय से मैंने संपर्क किया कि अगर हमारे लायक कोई सहयोग होगा तो आप बताइएगा। तो गौ सेवा मंडल के अध्यक्ष रिंकू तिवारी जी के द्वारा ये कहा गया कि भैया बाकी तो हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं, और हमको सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कहीं एक्सीडेंट है गाय और या ज़्यादा बीमार है, उस गाय को अस्पताल तक लाने की आवश्यकता है, तो लाने के लिए हमको वाहन ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। कई दफ़े तो ये होता है कि हम वाहन ढूंढते रह जाते हैं और गाय या अन्य जानवर कोई भी एक्सीडेंट या ज़्यादा बीमार है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमारा खुद का साधन होता तो हम तत्काल रेस्क्यू कर पाते। तो मैंने इस बात को अपने घर में रखा और माता जी के सामने रखा। हमारी माता जी शांति देवी हैं, 85 साल उम्र है उनकी, जो कि पिछले 25 वर्षों से लकवाग्रस्त भी हैं। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि भैया बेटा मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे दूंगी और आप गौ सेवा मंडल को एम्बुलेंस उपलब्ध कराइए। तो ये मैंने, माता जी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और उस पैसे से मैंने ये इस एम्बुलेंस का निर्माण करवाया है। इसमें सारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, अगर एक व्यक्ति भी, केवल ड्राइवर भी जाएगा तो बीमार या लाचार गौ को इसमें उठा करके ले आएगा। निश्चित तौर पर जैसे कहा जाता है परवरिश हो, इनके घर में ऐसी परवरिश मिली है कि समाज की, हमेशा जो समाज सेवी हों, समाज की सेवा करें, और निश्चित तौर पर ये दिखा जाए इनके माता जी ने जिस प्रकार से सहयोग किया गौ सेवा मंडल की, एक काबिले तारीफ है। साधना न्यूज भी इस तारीफ कर, हमारे साथ गौ सेवा मंडल के कुछ लोग, उनसे ही बात करते हैं। कैसी परेशानियाँ आती थी आप लोगों को? विगत 4 वर्षों से गौ सेवा मंडल सरगुजा संभाग में ही विस्तार कर काम कर रहा है। हमारे पास कहीं दुर्घटनाग्रस्त गाय हो जाती थी या कोई गाय अत्यधिक बीमार होती थी, हम प्राथमिक उपचार तो जगह पर जाके कर सकते थे, परंतु अत्यधिक बीमार पशुओं को ले जाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती थी। तो हम छोटा हाथी या अन्य नगर निगम की गाड़ियां मंगाने में कोशिश करते थे, किंतु उनके आने में विलम्ब हो जाता था, जिसके कारण गायों की मृत्यु दर अधिक होते जा रही थी, जिसकी बातें से हमने अजय अंकल को अवगत कराया, जिससे वो उन बातों को समझे और हमको एक एम्बुलेंस के स्वरूप में, हमको गौ सेवा मंडल सरगुजा को वो सौगात के रूप में, ताकि हर एक पशुओं का एक सही समय पे इलाज होकर उनकी जानों की अधिक से अधिक रक्षा की जा सके। निश्चित तौर पर इनकी जो कार्य है वो काबिले तारीफ है। हमारे साथ गौ सेवा मंडल का और कुछ लोग, उनसे ही बात करें। जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो एम्बुलेंस दिया गया है, कितना खुशी की बात है सरगुजा के लिए? ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक सौगात है, क्योंकि इंसानों के लिए तो सभी करते हैं, इंसानों की जान बचाने के लिए बहुत सारे एम्बुलेंस हमारे शहर में, हमारे देश में, पर बेजुबानों के लिए करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कहीं भी एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि बेजुबान अपनी दर्द को बयां नहीं कर पाते। इस दर्द को हम लोग गौ सेवा मंडल वाले हमेशा से सोचे और उनके लिए काम करते हैं, और इसी काम को देखते हुए अजय भैया ने हमारे लिए इतना बड़ा सौगात दिया कि जिसकी हम व्याख्या अपने शब्दों में नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। निश्चित तौर पर ये जो वरदान, जो बात कही जा रही है, जो एम्बुलेंस मिला है वो काबिले तारीफ है, और मैं एम्बुलेंस को भी दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो हाइड्रोलिक की सिस्टम जो बनाई गई है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और जो आसानी से जो पशु हैं और उनको इसमें शिफ्ट किया जाए। और इसमें कुछ अंबिकापुर से साधना न्यूज़ के लिए चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट। जो कोरोना काल की बात